सेवंथ पे कमीशन, इन राज्यों ने अपने कर्मियों को दिवाली से पहले दिया तोहफा, डीए में बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के कर्मियों और पेंशनधारियों का डीए 6% बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला बीते 1 अक्टूबर से भी प्रभावी होगा। सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया था। दिवाली से पहले कई राज्यों ने 7वें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मियों और पेंशनधारियों के डीए बढ़ाने की घोषणा की है। इस फहरिस्त में सबसे नया नाम पंजाब का है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के कर्मियों और पेंशनधारियों का डीए 6% बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला बीते 1 अक्टूबर से भी प्रभावी होगा। पंजाब कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया था। आइए जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किन किन राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीए और डीआर में 1 जुलाई से 38% बढ़ाने का फैसला किया है। दिवाली गिफ्ट के रूप में राज्य सरकार प्रत्येक कर्मी को 6,908 रूपए बोनस के रूप में भी देगी। इसी हफ्ते हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे हैं। पूर्व में दिए जा रहे 34% डीए को बढ़ाकर अब 38 कर दिया गया है। सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। बढ़ा हुआ डीए राज्य कर्मियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ मिलेगा, जबकि जुलाई से सितंबर महीने तक के 3 महीने के एरियर का भुगतान नवंबर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मियों का डीए 5% बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी के इस फैसले से करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। यह वृद्धि अक्टूबर 2022 से लागू होगी। झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों के डीए और पेंशनधारियों के डीआर में 4% वृद्धि का फैसला किया है। यह अब 34% से 38% हो गया है। सरकार का यह फैसला जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली ने भी अपने कर्मियों का डीए 4% बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की घोषणा के तुरंत बाद राजस्थान सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। नवीनतम बढ़ोतरी ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 38% कर दिया है। सितंबर महीने में ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने भी डीए में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। राज्य सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2022 से ही लागू हो जाएगा। इस फैसले से करीब 4 लाख राज्य कर्मी, 3.5 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।